नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। क्या बिहार में लोकसभा 2024 के पहले विधानसभा भंग हो जाएगी या दिल्ली से पटना तक सियासी गलियारों में यह सवाल पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें, नीतीश कुमार की खामोशी, अब कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी और इन सवालों को बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी के खेमे से अब तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले बिहार विधानसभा को भंग नहीं किया जाएगा। वहीं जेडीयू के नए चेहरे को मौका देने की बात, जनता दल यूनाइटेड ने कम से कम 3 चेहरे को बदला जा सकता है। आपको बता दें, पूर्व मंत्री संजय सिंह झा राज्यसभा चले गए, ऐसे में उनकी जगह पर कई नए चेहरे का मंत्री बनाना अब तय माना जा रहा है। वहीं महेश्वर हजारी ने हाल में ही विधानसभा उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है, तो कहा जा रहा है कि उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और तीसरा नाम है कुशवाहा चेहरे को लेकर, कहा जा रहा है कि इस बार जयंत की राह पर भी जेडीयू सुधांशु शेखर को मंत्री बना सकती है। वहीं आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट के वक्त सुधांशु के जेडीयू के लिए मोर्चा संभाले हुए थे वो, ऐसे में मंत्रियों को लेकर बीजेपी में ज्यादा दावेदारी, 2 दर्जन से ज्यादा नेता नीतीश कैबिनेट में पहले से अलग थलग समय पर मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में इस बार सबने अपनी दावेदारी जताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, अकेले बेतिया से ही 4 मंत्री पद दावेदार हैं, जिनमें से भागीरथी देवी, विनय बिहारी, रेणु देवी और नारायण कुशवाहा का नाम भी शामिल है। आपको बता दें, इसी तरह मोतिहारी में राणा रणधीर सिंह और प्रमोद कुमार पहले मंत्री रह चुके हैं, दोनों की इस बार भी दावेदारी नजर आ रही है। वहीं मधुबनी से देखा जाए तो विनोद नारायण झा, रामप्रीत पासवान और नीतीश मिश्रा मंत्री रह चुके हैं और 3 एक बार भी दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह की स्थिति कई अन्य जिलों में भी बनी हुई है। आपको बता दें, सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने नई सरकार में जिस तरीके से पुराने चेहरे प्रेम कुमार और नंद किशोर यादव को तहजीब दी है, ऐसे में उससे कई नेताओं को फिर से कैबिनेट में आने की आस जग गई है। हालांकि मंत्रिमंडल का फाइनल फैसला दिल्ली से होगा, लेकिन बिहार विधानसभा का अंकगणित, बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इसको कितने मंत्री पद मिलते हैं। आपको बता दें, जिसमें से जितनी सीटें हैं उसमें से अभी 1 सीट रिक्त है और बहुमत के लिए 122 सीट की जरूरत है। वहीं राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास अभी 81 विधायक है। हालांकि उसमें से 3 विधायक के खिलाफ दल बदल का केस चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के पास अभी 78 विधायक है, लेकिन उसके पास 3 विधायक जो है वो बागी हो चुके हैं और इन विधायकों ने अभी तक किसी भी पार्टी का दामन नहीं थामा है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास अभी भी 45 विधायक है, जिसमें से 1 निर्दलीय का भी उन्हें समर्थन प्राप्त है। आपको बताएं, कांग्रेस के पास 17, माले के पास 11 विधायक, वहीं CPI और CPM के पास 2-2 विधायक है। आपको बात करें, जीतन राम मांझी के हम के पास 4 विधायक और OSC के पार्टी के पास 1 विधायक है। वहीं नीतीश कुमार को करीब 128 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। अब ऐसे में देखना होगा, जो 3 बागी विधायक है वो किसके खेमे में जाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय बनती है कि वो 3 विधायक किसके खेमे में जाएंगे या इसके बाद भी अभी इंटरनली बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है, तो ऐसे में देखना होगा कि 3 से ज्यादा भी विधायक सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो काफी 9 से 10 या 11 विधायक इनके साथ जाते हुए नजर आएंगे। अब किसका दामन खाली होता है विधायकों से, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।